किन्नौर जिला के मोरंग राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मैदान में जिले का 12वां जनमंच आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। जनता को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों का विपक्ष ने सदैव विरोध किया है, जबकि सरकार ने हिमाचल प्रदेश में विकास की नई गाथा लिखी है और प्रदेश की जनता सरकार की बहुउद्देशीय योजनाओं का लाभ ले रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वैक्सीन लगाने में हिमाचल प्रदेश देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। हिमाचल प्रदेश में 7 बड़े स्वास्थ्य संस्थान हैं और अब एम्स भी हिमाचल प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा। पंचकर्म केंद्र बंद है, प्रयास करेंगे कि वहां कोई विशेषज्ञ जो है तैनात हो, ताकि ये सुविधा जो है वो लोगों को उपलब्ध हो सके। आयुष विभाग से अन्य जो भी संस्थान यहाँ पर मुझे मालूम हुआ है कि डॉक्टर्स की पद जो है काफी रिक्त हैं, और अभी सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने 250 पद जो हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के भरने की बात उन्होंने की है, स्वीकृति उन्होंने दी है, अपने बजट स्पीच में उन्होंने ये बात कही है। तो ये प्रोसेस जो है बहुत शीघ्र जो है वो शुरू होने वाला है। जैसे ही भर्ती होगी हम प्रयास करेंगे कि आपके जिला किन्नौर को भी, और उसमें रिकांगपियो भी आता है, यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक चिकित्सक जो है वो भेजे जाए।